जबलपुर में बैंक समाज के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें इलाके के दो लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। समाज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इलाके के ही दो व्यक्ति, जिनमें एक वकील है जो सामुदायिक भवन पर कब्जा किए हुए है, यही नहीं समाज में भेदभाव फैलाने का काम भी करता है। कई बार मिल बैठकर समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब एसपी कार्यालय पहुंचकर बैन समाज के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। हम लोग की शिकायत ये है कि हमारे समाज का बैन भवन जो रांझी में सामाजिक लोगों के सहयोग से बना था, राज्य शासन की मदद से बना था, उस पर विगत 5 वर्षों से रांझी क्षेत्र के निवासी चरण बैन जी और एडवोकेट अशोक बैन जी घमापुर निवासी, उन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। सामाजिक परंपराओं का निर्माण वे कर नहीं रहे ठीक तरीके से, और सामाजिक लोगों को कन्वेंस करना, गुमराह करने का कार्य निरंतर विगत वर्षों से करे जा रहे हैं। वो किसी भी पद में नहीं होकर के, पता नहीं उनके मन में क्या है कि समाज सेवा का जज्बा रखने के बावजूद भी वो समाज के लोगों के साथ अनर्गल बातें करते हैं, रोष फैलाना, समाज को दो फाड़ों में बांटना। अभी हाल ही में उनने समाज के लोगों को बिना बताए बैन समाज सक्षम बैन समाज विकास समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया। समाज के किसी अन्य लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम। यदि हम किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सामाजिक स्तर पर कराते हैं, सामाजिक लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए, परंतु सामाजिक लोगों को उसकी जानकारी नहीं। हमने रजिस्ट्रेशन कराया समाज के लाभ के लिए, वे स्वयं अपना लाभ लेके अपना परिवार चला रहे हैं। अब जो समाज का भवन बना हुआ है, सामाजिक लोगों के सामाजिक कार्यों के लिए बना था, सामाजिक के खून के लोगों के खून पसीनी कमाई से बना था, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसे किराए पे चला रहे हैं। वो पैसा समाज के भवन का जो किराए का पैसा समाज के भवन में लगना चाहिए था, बिल्कुल लग नहीं रहा है। समाज के लोग काफ़ी रोष व्याप्त हैं। विगत 12 तारीख को एक सामाजिक बैठक का आयोजन उन लोगों ने किया, समाज के लोगों को इसकी जानकारी नहीं लगी। समाज के लोग वहाँ पूछने गए, कारण भी उसका ये था कि समाज के ही लड़के ने एक पंजाब से अदर समाज की लड़की को लेके आकर के प्रेम विवाह कर लिया या अगवा कर लिया, कि किस तरीके से उनने कार्य किया, ये हम लोग जानकारी लेने वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हम लोगों से विवाद करा। हम लोग की झूठी कुछ लोगों की झूठी रिपोर्ट ग्वारीघाट थाने में दर्ज कर रखाई गई है। हम सिर्फ माननीय महोदय से इस विषय में, हमारे दो विषय हैं, निष्पक्ष कार्यवाही की जाँच चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्यवाही की जाए, जाँच की जाए और जो भी दोषी है उसे दंडित किया जाए। गुलशन बेन, नगर सचिव जबलपुर। बेन समाज द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक बेन समाज का सामुदायिक भवन है, जिसमें समाज के ही कल्याण के लिए, समाज के ही शादी ब्याह के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है, मगर इनका आरोप है कि विगत 5 वर्षों से इसको कुछ बेन समाज के ही कोई अधिवक्ता और एक और व्यक्ति के द्वारा इसे कमर्शियल यूज़ में किया जा रहा है, और अन्य लोगों को भी इसे किराए पर दिया जा रहा है, और जिससे जो आमदनी हो रही है वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं, ना कि समाज की भलाई के लिए। इस संबंध में इनके द्वारा जांच चाही गई है। जबलपुर से आशीष बाद्री की रिपोर्ट।